जबरदस्ती करते थे, कपड़े वपड़े फाड़ दिए, हमार बलात्कार करने की कोशिश की। लड़को चालू है, अगर लड़की ऐसी न होती तो कहे के ये काम होता, लड़की है ऐसी। मोर इज्जत खराब की, मैं कहूँ के लायक नहीं हूँ। मेरे कपड़े भी नीचे वाल उतार दिए थे, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, मेरा मजाक बन के रह गया, कुछ केस लिखवाया, केस में कुछ हुआ ही नहीं। केस उस नहीं लिखता भाई के ऊपर, इसने नाटक किया था जहर खाने का। The act of a sexual assault on a woman is horrific. To investigate the human cost of such crimes, we decided to stay with the stories of four women for an entire year from Uttar Pradesh's Banda district. Now, through these four stories, we are trying to show you the systemic harassment that a survivor faces at different stages of the investigation. Her complaint buried even before she could register an FIR. Sunita's story of shame. Next, we will hear Garvita's story, a survivor who was constantly ridiculed to the point that she had to put her life on the line to have her complaint registered. Then there is 10-year-old Kishori and her mother. The case is in the court, the trial has begun. But in the face of constant threats, the mother and the daughter are close to exhaustion. And the last is Naina's story of resilience, who despite the police closing the investigation in the case, refuses to give up. कह रहे हैं पिताजी तू मर क्यों नहीं गई, ये दाग कैसे आ गया? ऐसे बोला उन्होंने, शर्म खाती आग ही तरह का वह जाती। दो तारीख को क्या हुआ फिर से पूछ रहे हो, बताओ। मोह साथ अत्याचार हुआ, या लूटी गई, मेरी इज्जत लूट गई। आप कहाँ पे थे? खरियान फिर रहे, चार लोग बारी बारी से इज्जत लूट लिया। ये बोला है कि आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, क्या सोच के करा आपने ये? जब हमारा न्याय नहीं हो रहा तो मौत, तो क्या करोगे? मिल जाए तो वो सुकून है हमें, किसी की बात तो न सहेंगे कि क्या तो साथ हुआ, का कही ली क्या, क्या किया तुम्हारे साथ की तुम्हारी इज्जत लूट गई, क्या क्या तुम्हारा किया, ये सुनने को तो नहीं हमारे कान रहेंगे जो मर जाएंगे, आवाज सुनने के लिए मौजूद हैं। बाहर धमकाने की कोशिश वगैरह कुछ नहीं कर रहे? करते हैं। क्या हुआ है बताइए? बहुत दबका हुआ है कि आगे जाइए तो हम मार दिया जाएगा, और हम जेल गए कि उस घर में लाश दिखेंगी हमेशा, जब ही देखेंगे आज गिरी, कल गिरी, परसों गिरी। बीस हजार का हतना है, तो मैं नहीं कह रही हूँ, न्याय मिला चाहे, न्याय मिला चाहे। हमें बताया गया है कि इस केस में जो औरत है उनको बहुत दबाव हो रहा है गांव वालों से, बैठे गांव वालों से बहुत दबाव है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, कभी वो 20,000 बोलते हैं, फिर वो 40,000 बोलते हैं, फिर 50,000 बोलते हैं। लोग भी गए हैं उनके घर, उनसे बात करने के लिए कि आप रजामंदी कर लीजिए, लेकिन वो अभी भी डटी हुई हैं, अभी तक डटी हुई हैं। बताइए कब तक रहेगा, ये कितनी देर तक इस दबाव से लड़ पाएंगे वो हम अभी देखते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। अब मैं क्या बताऊँ बिटिया, मोर दिमाग नहीं काम कर रहा, चौगिरदा से बड़बड़ा आ रही। ये जो लोग आए ये घर आए या कहाँ आए? घर में आए। घर आके क्या बोले? ये कहत रहे राजी हो, कहा थी 1,00,000 ले ले और राजी हो जा, मुझसे काल जब रही 10 या करा ली नहीं। आपने आपने कर दिया ये? किस कागज में किया आपने साइन? मैं घर में करा ली नहीं। क्या लिखा था उस कागज पे? बता दे दादी क्या लिखा था, बताइए। एक मिनट, क्या NCR के रिपोर्ट पे
राजी राजी करवा लिया है उनको, राजीनामा करवा लिया है उन्होंने जो है जमानत कराई है उसी में। ठीक है ठीक है। आप हो कैसे? बस दर्द हो आता है, मैं उठे बैठे नहीं पाती, दिन दिन रात रात रो रो पार करती हूँ। 1 लाख का क्या किया आपने? मैं यह दवाई गोली कराए हूँ, दवाई गोली। अजय बिटिया खा का नहीं रहा है तो खाऊ का लेना, हमें 1 लाख रुपये दिन है तो हम अब दूनी भरा लेबे, धमकी दे थी। अब मैं को नोता के आदमी नहीं को हुआ है मलरकन का अपन मुँह। हाँ, आप मुझे बताओ कि उसके बाद भी धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ। क्या बोलते हैं? कहा थे कि हम अपन पैसा निकाल ले दे, एक लड़कन को फंसा दे कि चाहे जहे ना भैंसी का धमकी दी नहीं तो मैं भैंसी अपना हटा ली हूँ। कहाँ हटा दिया आप भैंसी? भैंसी मैके वहाँ ले जाएंगे। Even after doing what is an outright favor to the rape accused by agreeing to compromise, the shame has stuck with Sunita. She is the one who accepted a meager rupees 1 lakh to keep the rape accused out of jail. And now that they are out of jail, she lives in fear of them. She is the one who is being somewhat punished for a brutal crime that was committed against her. Banner laga ke main nahi ab baitha chahti hu, mohi dera hai, मोह सयान बिटिया है, मोह घर खुला पा रहे हैं, तब मैं इज्जत का रो रही हूँ, मोर इज्जत खराब की, मैं कहो के लायक नहीं आऊ, ऐसे मोह डर है भीतर बिटिया। आंटी आप पुलिस वाले को कुछ बोलना चाहोगी? पुलिस वाले का कोनो मदद नहीं देती आए तो का बोलूँ, मदद दिए वहाँ जहाँ पैसा दिए तो हम बस चुप हो गए। सुनीता आस्ट अस रिपीटेडली नॉट टू मीट हर रेप अक्यूज्ड एंड वी रिस्पेक्टेड हर विशेज। विद नोवेयर एल्स टू गो शी इज द वन हु हैज टू लिव हियर अंडर द गेज ऑफ दीज वेरी मैन। She told us that as late as March 2021, the accused have been calling and threatening to take the 1 lakh rupees back from her. As if humiliating her and shaming her into silence was not enough. मुझे यहाँ पसंद नहीं लगता रहने का। क्यों पसंद नहीं रहता? क्योंकि बहुत वो हो गया ना, जब से केस हो गया जब से हमारी हंसी बहुत हो रही है। Unlike Sunita, who was never able to get her complaint registered by the police, Garvita was, but at a huge cost. जहाँ जाती थी वहीं कहते थे कि ये तुम्हारा छेड़खानी का झूठा है, इसीलिए टेंशन में मैंने जहर खाता, क्योंकि मेरी बुरी तरह से इतनी बेइज्जती बदनामी हुई थी कि जो कोई भी बोलता था कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्या हुआ, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, यहाँ साड़ी पेटीकोट में खड़ी थी सभी कोई, क्योंकि मेरा अभी तक कोई चेहरा भी नहीं उतना आदमी देखा है, लेकिन जैसे इतना आदमी भरा पड़ा था साया में खड़ी हूँ तो शर्म नहीं आती है। फिर उसी दिन जब मेरे को हॉस्पिटल में ले गए थे, फिर जब बोतल वोतल लगाया, होश आया, इलाज हुआ जब, तभी फिर केस लिखा गया था। The incident took place 5 days before on 17th of October when the accused came to Garvita's shop to buy cigarettes. She refused to give him any because he owed her money from before. This made him angry. He allegedly broke a glass jar and forcibly took the cigarettes and left. She called the police who came, intervened. He returned to Garvita's home to take revenge hours later. So, bolta hai ki tum hamari FIR kiya tha, police aayi thi, main tumhe batata hu ki main kyon aaya hu. फिर वो इधर ही जहाँ हम बैठे हैं तो यहीं हमें मेरे को पटक पटक दिया और साड़ी वाड़ी खींच लिया और मुंह में ब्लाउज मेरी फाड़ दिया। बोल रहा था कि मतलब जब मैं तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं करूँगा जब तक मैं मानूंगा नहीं, तुम करो क्या करोगे?
वो तो छेड़खानी का धारा लगाया है और घर में घुस के आया अंदर और वो प्रयास किया बलात्कार करने का, उसकी धारा तो नहीं लगी है, तो लगना चाहिए ना दीदी। जैसे उन्होंने हमें बताया कि उनको अभी भी वो तंग करते हैं, तो अभी हम छत पर आ रहे हैं जहाँ पर वो उनको देखते हैं, जहाँ पे वो उनको ताड़ते हैं। जब वो ऊपर आती है नहाने के बाद कपड़े या कपड़े यहाँ पे सुखाने के लिए आती है, तो वो वहाँ पे खड़े होकर उनको गलत नज़रिए से देखता है। उनको देख के अभी भी मुस्कुराता है, अपने दोस्तों को बोलता है कि उनकी दुकान में जाके वो सिगरेट खरीदे, वो आस पास मंडराता है। ये जो लड़का है, हाँ, ये उसका बर्ताव जो कैसा है अभी? कभी देख के हंसता है, कभी कुछ बोलता है, ऐसे तो बोलता ही रहता है। क्या बोला इसने पिछली बार? पिछली बार तो अब मान लो जो हम पैसा पाए घर में कुछ चीज लाते हैं, कुछ करते हैं, तो बोलता है ये उनका नहीं है, ये मेरा है। ऐसे क्यों बोलता है? ऐसे बोलता है कि मतलब केस के पैसों में है, तो पैसा जो मिला तो उसका मिला है, उसने बलात्कार करने की कोशिश की, उसका पैसा मिला, इससे सोचता है वो पैसा मेरा हो गया। हमसे आदमी लोग पूछते भी हैं कि तुम राजी हो गए हो क्या, तुम्हारा कुछ केस का पता नहीं चल रहा, कुछ तारीख नहीं हो रही, ऐसे आदमी लोग पूछ रहे थे। हमने बोला कुछ पता ही नहीं चलता केस का कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो अभी क्या हो रहा है केस में, आपको पता है चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट? अभी तो फाइनल रिपोर्ट हमें कुछ मिली नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं है। Constantly harassed by these comments, Garvita is on the brink of leaving her village. And it doesn't help that the brother of the rape accused, who reportedly has close contacts in the village panchayat, goes around telling people that Garvita to drama kar rahi hai. Despite admitting to the quint that he does not know what happened that day, that he wasn't there, he defended his brother when he spoke to us. बताने वालों ने बताया कि उस औरत ने उसको धक्का दिया, गिरने लगा तो उसकी साड़ी हाथ में आई, वही पकड़ के रुक गया वो। अच्छा। अब वो खुल गई हो या ना खुली हो, ये मैं था नहीं वहाँ, ना मैंने देखा। ऐसा सोचती हूँ मैं कि ये गांव छोड़ के इसी चले जाएं, कब चले जाएं, इसीलिए तो अभी 4-5 महीने मेरे को हो गए। किसी से पूछ लिए, घर में ताला लगा था, बच्चे लिए हुए मायके में बने थे। अच्छा। क्योंकि मुझे यहाँ पसंद नहीं लगता रहने का। क्यों पसंद नहीं रहता? क्योंकि बहुत वो हो गया ना, जब से केस हो गया जब से हमारी हंसी बहुत हो रही है। इसने ड्रामा भी किया था एक, नहीं तो केस वोस नहीं लिखता भाई के ऊपर। इसने नाटक किया था जहर खाने का, उसके बाद ये वहाँ अस्पताल गई, उसके वहाँ से फिर पुलिस ने तुरंत को यहाँ से उठा लिया। क्या बोलते हैं लोग? दूसरे कोई बोलता है कि तुम्हारे साथ इतना हो गया, उतना हो गया, इतना इतना बर्ताव हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाए, तुम उसका क्या कर लिया, वो ऐसे अपना रह रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, वैसे वो हंस रहा है देख के, उसका क्या बिगड़ गया? पैसों की वजह से उन्होंने किया है, और अक्सर उसके जितने परिवार वाले हैं सब उनका धंधा ही बन गया है ये सब। इतना क्यों डर गए आप? कि मेरी मम्मी का दम किधर है, कि तुम्हारी मम्मी को भी जान से मार डालेंगे, तुम्हारी मम्मी भी या तुम भी जाओगी जेल। The voice you heard right now is of 10-year-old Kishori. She says that she was abducted in November 2019, her hands and legs tied, cloth stuffed in her mouth, and her attackers tried to rape her. She came home crying to her mother Mala, who took her to register a complaint at the police station. But they say that they were met with police insensitivity right from the beginning. जब लेडीज पुलिस अपने पास ले आ गई थी, जब पूछ रही थी, इतना रो रही थी वहाँ पर, हाँ मारे डर कितना रो रही थी, पूछ रही थी कि रो मत बताओ। हमने बोला कि बच्चा ना उसे पकड़ ले गए थे, कपड़े मुँह में ठूस दिए थे, कि उसके बाद फिर हमको अपने दाई वाले घर पे डर दिए थे, गंदी गंदी चीज वो कर रहे थे। अच्छा। मेरे कपड़े भी नीचे वाले उतार दिए थे।
तो लेडीज पूछ रही थी, तब बार हलाला काम हो रही, मेरा पूछ रही थी, धपका रही थी कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, डरवा रही थी, धमकी दे रही थी कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। तो ये बोल रहा कि मेरे साथ दीदी हुआ है ऐसा, तुम नलायक झूठ बोल रही हो, गंदी संदी बात बोल रही थी, बार हला रही थी, तो बोल रही थी कि नहीं दीदी मेरे साथ हुआ है। तो जब बोल रही थी कि तेरी मम्मी बैठी कहाँ, तो पर्दा लगा लिया था, फिर और रो रही थी अंदर। जब पुलिस थाने में कंप्लेंट लिख रहे थे, तब जो फीमेल पुलिस वाली थी उन्होंने के बाल खींचे और बोले तो झूठ बोल रही है ना, तू तो बच्ची है, तेरे साथ ये कौन करेगा, ऐसा 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 बोल के। छोटी बच्ची से ऐसा, 9 साल बच्ची से कोई बात नहीं, लड़की बोल रही है, वो क्यों बोलेंगे झूठ, बताइए आप मुझे। मैं भी कोच कटहरी में जा रही हूँ तो मुझे ही डर लगता है कि मैं कहाँ से कर दिया हूँ, और लड़की को अपने डांट रही हूँ कि तुम मत जाओ किसी घर, तुम्हारी ही पाछे मैं ऐसे कष्ट भोग रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि किस दिन से एक केस फैसला हो जाए, इसकी गवाह हो जाए, तो मुझे बार बार अदालत में जाने नहीं पड़ेगा, तरीके में ऐसे हो जाए। किशोरी टोल्ड अस हाउ हर स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द कोर्टरूम स्टार्टिंग विद हाउ द लॉयर ऑफ द अक्यूज्ड थ्रेटन्ड हर। It seems that next to nothing was done in terms of legal care and protecting the 10-year-old survivor in the courtroom. अंदर जा रहे थे तो एक कनाइला गए थे, कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी को मार डालूंगा, जान से तुम्हारी मम्मी भी जेल जाओगी, तुम भी जाओगी, तो धमकी दे रहे थे। और जब धमकी दे रहे थे तो कौन थे आपके आसपास? हमारे आसपास कोई नहीं था। जब आपकी गवाही ली तो आप अकेले थे, आपके साथ कोई था? अकेले थी मैं। जब ये वकील ने उनसे बात किया तो अकेली कैसे हो गई? वकील ने हंस लियो आकर गए कि चलो गवाह देने के लिए। तो यहाँ पर ये चली गई, मैंने कहा मैं लड़क लिया था, तो बोल रहे थे कि जाओ तुम यहाँ पर बैठो और मैं लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे चली गई। कौन लेके गया उसको? वकील। वकील किसका वकील? वहाँ बच्चा कनाए से, दोनों पार्टी का वकील था ना। अच्छा, हमारा सरकारी वकील, उसका प्राइवेट है। तो जो आपका, जिसने आपको ये बोला, ये आपका वकील था, उनका वकील था? उनका, प्राइवेट वाला जी। फिर आपने जज को क्या बोला? यही बोल दिया कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो जज पूछ रहे थे तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, तो मगर जी नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। सरपंच यही बोल रहे हैं कि राजी हो जाओ, बस कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आगे चलकर तुम्हारी लड़कियां अभी शादी ब्याह करोगे तो ये अदालत लड़ लोगे, मुकदमा कचहरी जाओगे, तुम्हारी लड़की की शादी नहीं होगी, बस यही बोल रहे हैं सभी लोग। दवाई गरी में सभी लोग राजी करवाने के लिए बोल रहे हैं कि राजी हो जाओ। ये जो बोलते हैं कि शादी वगैरह नहीं होगी, आपको क्या लगता है इसके बारे में, सच है झूठ है क्या है? अब मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं तो देहाती मग्गा, तुम तो जानती हो कि यहाँ का आदमी कुछ जानते तो पढ़े होते लिखे होते तो हमारे कुछ दिमाग होता, जब पढ़े लिखे नहीं तो दिमाग कहाँ से होता। बस इतना ही, सभी लोग के कहने से हो जाता कि लगता है कि शायद नहीं हो शादी, ऐसे बात हो जाती है, नहीं अभी तो कुछ नहीं। नहीं, वो उसके डर से क्या कभी आपको लगता है कि छोड़ देती हूँ केस? लगता तो है कि हो जाता वहाँ फैसला तो सही है, तो बोलते कि अभी नहीं करना है, अभी हम चलने दो ही, ऐसे बोलते हैं। क्या चाहती है? यही चाहती है, जो माँ बाप कहेगी वही तो करेगी, अपने आप थोड़ी करेगी। जो ये आरोप लगाए हैं, ये इस पे आप क्या कहेंगे? ये गलत है। क्यों? रंजिश फंसा रहे हैं, रंजिश के कारण। क्या है रंजिश? रंजिश इसी तरह जमीन का मामला था। बताइए, जमीन का मामला समझाइए। भाई, जमीन का मामला ये था कि ये हमारी जमीन है। हाँ जी। इसमें अगला व्यक्ति कब्जा कर रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो चूंकि दबंगी के कारण वो हमारी जमीन तो ले जाएगा, तो अब हम उसको लड़ते रहेंगे। हाँ, तो ये हमको ये मालूम नहीं कि धमका आया क्या कहा है।
ये तो ये हम जानकारी करेंगे वकील से। खेलने मिलने जाती हो बाहर? नहीं जाती सर। नहीं जाती खेलने? जी नहीं, अंदर ही रहते हैं, यहीं पे खेलते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके दोस्त यहाँ आ जाते हैं पीछे? जी। पुलिस के पास जाएंगे, इन्हें जेल भिजवाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। Naina says that she was abducted in May 2019 and was assaulted for several months. But it was only after she and her father took several rounds of the court and got a court order that the police finally registered the case in January 2020. Amongst the accused is a policeman as well. Listen to Naina's story in her own words. Papa hamare ghar mein nahi the, mummy thi aur bhabhi thi. To hamare mausi ka ladka aaya, keh raha hai tumhare papa nahi wahan hain, sharab piye hain to ghar nahi aa pa rahe hain. Chalo hum bela phusla ke liwa gaye aur jab hum wahan gaye to hamare papa nahi the to hame rickshaw mein baitha liya, hamara munh dab liya aur station le gaye. Wo hame station mein se train mein baitha ke le gaye Surat aur wahan kamre mein rakhe rahe dono log aur 1.5 mahine rakhe the durachar किया लगातार, जो जबरदस्ती करते थे, कपड़े वपड़े फाड़ दिए हमारे और बलात्कार करने की कोशिश की। हमारे पापा जब यहाँ से पुलिस वाले को लेके गए हमें लेने, तो पुलिस वाले को हमने सब कुछ बताया, तो पुलिस वाला कह रहा है, पन्ना लाल दरोगा कह रहा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ये ना बताना, जो हम कहें वही बताना, अगर तुमने सब सच सच बता दिया तो तुम्हारे माँ बाप को जेल भेजा देंगे और तुम्हें नारी निकेतन भेज दिया जाएगा। होटल में दो कमरे बुक किए थे, तो वहाँ पापा भरते थे बिल होटल का और खाना पीने का, और दो कमरे, एक कमरे में पापा लोग रहते थे, दूसरे कमरे में दरोगा हमें रखता था। क्या करता था वो? और जब हम सो गए थे तो हमारे शरीर में हाथ फेर रहा था, तो जब हमने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, कह रहा है कि चुप रहना, नहीं अच्छा नहीं होगा। चारों लड़का निर्दोष हैं, ये निर्दोषी में ये लड़की अपने आप गई, अपने आप गई है ये लड़की। चालू है लड़कू, चालू है। अगर लड़की ऐसी न होती तो कहे के ये काम होता, लड़की है ऐसी है क्या? इसको पैसा मिल रहे थे तो क्या, जब करता रहा अपनी लड़की नहीं डांट सकता थे? आज ये झूठा इंजाम घर में लेवा कर इसको मतलब जादू मंत्र अपना करा दिया, जादू मतलब पढ़ेरी से मतलब करा खिला पिला कर कुछ अपना बिटिया से बुलवाता है झूठ सही, इसलिए बुलवाता है कि ऐसा ऐसा बोल। और शायद लड़ाई तक गली में लड़कन से लपट लगती है और फिर केस बना के थाना में भेजती है। The chatter around Naina having a loose character is something that's been circulating right from the start and continues even today. However, unaffected by all this, Naina and her father's focus is only on pursuing the case. जब आप आई थी तब जानकारी चल रही थी, लेकिन अब हमारा केस बंद कर दिया गया है और कोई मुझे बताया भी नहीं है कि तुम्हारा केस बंद कर दिया गया है, और मुझे बताया भी नहीं है और मुझसे पूछा भी नहीं है, ना हमें पता था। पापा ने जब वकील किया, वकील को पैसे दिया और पैसे दे करके वो कॉपी निकलवाई, उसके बाद फिर पापा ने पढ़वाया तब पापा को पता चला। क्या लिखा है उसमें जो आपने किया? उसमें ये लिखा है कि मेरी गवाही झूठी बोल दी गई है और उनकी सच्चाई बोल दी गई है, मेरे गवाह सब झूठे थे। Naina's father calls me up every other week, basically telling me that the case has not been reopened yet. He spends his time with local activists, trying to get their advice on the case. However, despite whatever the father and daughter have gone through, their resilience has remained unaffected. जब से आपसे मिले तो हम लगातार कोशिशें करे जा रहे हैं,
कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी गुहार लगा रहे हैं। दीदी में मेरी लड़की के साथ जो दुराचार हुआ है तो मैं केस लड़ता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हम कोशिश करते रहेंगे, कोशिश से नहीं हटेंगे। टाइम जितना लगे, साल दो साल, कोशिशों में लगे रहेंगे, मतलब कि पीछे नहीं हटेंगे। जब कभी भी कभी सुनवाई होगी चलते हैं, जहाँ तक चल रहे हैं, नहीं फिर हाई कोर्ट उठा के फेंकूंगा मुकदमे। जैसे अभी सब पतंग वतंग उड़ा रहे हैं, आपने आप बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ उड़ाती तो है ना? जी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, घर में रहते हैं। मॉनिटर मंगला हेल्प डेस्क एंड रोमोर लोकल बी कॉन्सिटल प्रायोरिटी। If any offense was committed against, we always maintain a database of women related offenses, and to the beat constables, we always give them that data. They go to that woman or that girl's house, they talk to their family person, and they ensure that the accused are not threatening them. There is no compulsion to move out of that village or that town. I must tell you that, from the four cases that we have covered, I don't see this happening. I've of course spoken to the police also in the cases. It's not like we've only spoken to the women. We are a little bit worried about the kind of threats and pressure they might face after the documentary is published, sir. Okay. So please give the details, because 100%. I will do it today, sir. Now the stories of Garvita, Sunita, Naina and Kishori have some common themes like apathy from the police, intimidation from the rape accused, shame from their own families and a pressure from the entire society to compromise. According to the latest National Crime Records Bureau data, UP tops the list of the number of crimes against women at 60,000 cases. It also tops the list of the number of crimes against girl children at 7,500 cases. However, this data fails to capture what our documentary does. The nightmare that begins after the crime is committed. To stay with the stories of these four women, we visited Banda multiple times. Now projects like these, ground reports and hard-hitting documentaries like these cost money. So join the Quince membership program and boost our brand of journalism. Your support will ensure that we do stories that matter. All the information that you need regarding our membership program can be found on the website. We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequin.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.